मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने नांदेड़ का दौरा किया। कौमी शजरकारी मुहिम के तहत इन्होंने ये दौरा किया। नांदेड़ के मुदखेड़ में अमित शाह ने सीआरपीएफ के कैंप में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ अमलों से खिताब किया। इस मौके पर नांदेड़ के एमपी प्रताप पाटिल चिखलीकर भी मौजूद थे। आज मेरे लिए बहुत शर्म का विषय है कि मेरे ही हाथों से पीपल का एक वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है और हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। 170 से ज्यादा जिलों में हमारी सीएपीएफ ने लगाने का काम किया है और ये और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ऐसी जगह पे लगाया जा रहा है। ये मराठवाड़ा का हिस्सा है, नांदेड़, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में आज मदरसा बना हुआ है और आज जो हिस्से में हम खड़े हैं उसको आजादी का दिन भी आज का ही है, 17 सितंबर। हैदराबाद के निजाम के जुर्मी शासन से ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर इधर होकर तेलंगाना का प्रकरण से आजाद, हमारे पहले गृहमंत्री लोक पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने बड़ी दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ और रणनीतिक कुशलता के साथ इनकी नापाक पदार्थों को नाकामयाब करते हुए ये पूरे हिस्से को भारत अखंड भारत का हिस्सा बनाने में आज ही के दिन वो प्रख्यात पोलो ऑपरेशन पुलिस एक्शन इसके जरिए सफलता प्राप्त करना।